अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शगुफ्ता की दुनिया में आज आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी की दुआ से हम सारे लोग खैरियत से हैं। तो आज हम लोगों के घर में मॉर्निंग में बन रही है खीर, क्योंकि हमारी एरिया में मज़ार में आज उरूस है, तो यहाँ उसी के लिए आज खीर बन रही है मॉर्निंग में। और ना हमारा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है पोस्ट करने में, बिकॉज ना हम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी है कुछ कामों में, तो उसी काम के वजह से ही अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। रुक्षार आपी, नीलू आपी, मैं और चैम, तो किस कारण जा रही वो आप लोगों को आने वाले व्लॉग में श्योर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। बिकॉज अभी हम लोग ना बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा इस बार बिजी हूँ, तो इसलिए व्लॉग थोड़ा सा पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, क्योंकि मुझे एडिट वगैरह भी करना पड़ता है गाइस, तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा एडिट वगैरह करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, ऑन द वे है अभी हम लोग। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, रुकू आप ही देख सकते हैं यहाँ बैठी हुई है हम लोगों के साथ, वो भी जा रही हैं और बहुत ही ज़रूरी काम से हम लोग जा रहे हैं, वो आने वाले व्लॉग में आप लोग देख पाएंगे। तो अभी जाते हैं, तो आप लोग को भी लेकर चलते हैं, आप लोग भी चलिए। और ना बाहर का वेदर आज कुछ दिनों से मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड ना हवा के पास बैठना, मतलब विंडो के पास बैठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ और बाहर का वेदर देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ठंड ठंड फील हो रहा था और मैंने एसी भी बंद करवा दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ ना कि आज बहुत दिनों के बाद मैं ये सूट पहनी हूँ, बहुत मतलब कम मौका मिलता है। बहुत सारा सूट ना मतलब अलमीरा में ऐसे ही रह जाता, कबर्ड में ऐसे ही रह जाता है बहुत सारा पुराना पुराना सूट वगैरह। तो पीछे वाले जितने भी सारे सूट थे ना, मैं अभी सामने कर दी हूँ, अब मैं वो सब पहनने वाली हूँ आने वाले व्लॉग में, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जो भी काम था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग आए हैं गुप्ता ब्रदर्स। ये हम लोगों का शाम का वक्त हो चुका था और हम लोगों को थोड़ा सा चाय नाश्ता भी करना था, तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं गुप्ता ब्रदर्स। ये हम लोगों का फेवरेट है, स्पेशली हमारे नीलूफर आपी का ये सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं। घर में आने से पहले ना मैं मतलब गाड़ी में ही बैठ बैठ के सब कुछ बुक कर ली थी, तो घर पर आकर देखिए ये हमारा ग्रोसरी का सामान सब कुछ आ चुका है स्विगी से, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, आज मतलब 15 अगस्त है और आज हम नीलू आपी और चैम्प निकले हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को व्लॉग में दिखाते हैं। बट मैं आज आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज जो हम लोगों के कोलकाता का मतलब 2-3 दिन से जो माहौल है ना, मतलब वो अच्छा नहीं है। और न्यूज़ जो भी आ रहा है वो आप लोगों को शायद पता ही होगा, जो लोग न्यूज़ देखते हैं, जो लोग मतलब सब कुछ जान रहे कोलकाता में अभी क्या चल रहा नहीं चल रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं बोलूँगी। तो अभी हम लोग आए हैं शफी आपी के घर और शफी आपी बहुत दिनों से मुझे, नीलू आपी को, मतलब हम लोग सारे लोगों को घर पे बुला रही है। मेरे इंगेजमेंट के बाद से ही शफी आपी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बोल रही कि आइए आइए, बट हम लोग नहीं आ पा रहे। लास्ट आप लोगों ने शफी आपी के घर में आई थी देखेंगे कि दानियल के बर्थडे में मैं गई थी, वो भी 2 साल पीछे का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं अभी आई हूँ शफी आपी के घर और मुझे अंदर से एकदम भी अच्छा फील नहीं हो रहा, जो भी न्यूज़ बाहर चल रहा है मतलब, तो उस हिसाब से देखिए बच्चे लोगों को, तभी बच्चे लोगों को तो ये सब कुछ भी पता नहीं रहता है। तो अभी हम लोग जस्ट शफी आपी के घर आए हैं और डैनियल और चैम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे एक दूसरे को देखकर, तो वो तो आप लोगों को पुराने व्लॉग में ही पता होगा ये लोग कितने क्लोज फ्रेंड है। तो अभी हम लोग शफी आपी के घर ही आए हैं, तो जस्ट बैठे वो आप लोग कैरी ऑन करिए, व्लॉग देखिए। ठीक से पकड़ो, सब स्कूल आस्ते आस्ते
तो छोटा अच्छा ये वो फिनिश हो गया तो बच्चे लोग अभी ड्राइंग कर रहे हैं दानिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहे हैं और आज मैंने शाम को अपने घर बुलाया है ओहो अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है चैंप है अच्छा और चैंप का तो बेस्ट फ्रेंड दानियाल है ना कुछ अच्छा सा ड्रॉ कीजिए आप कुछ अच्छा सा ड्रॉ कीजिए हम देखें बहुत सारे लोग देखेंगे दानियाल ने ये बनाया दानियाल को बहुत आदमी पहचानता है जल्दी करो दिखाओ बोलते हैं शगुफ्ता की दुनिया में चैंप का तो फ्रेंड है थर्टी मिनट्स अभी तक ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुआ है दिखाइए दिखाइए हम देखें क्या बनाए हैं आप शाम का चाय चल रहा है और शबिया अभी ने बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाया है उसके साथ बहुत ही हेवी टाइप का घोल भी बनाया है उन्होंने तो बहुत अच्छा लगा दिल खुश हो गया बिरयानी क्योंकि ना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि बिरयानी एकदम प्रॉपर अच्छे से बनाते हैं तो शबिया आप एकदम 100 में 100 मिल गया उनको मार्क्स बहुत अच्छा बनाया बिरयानी इनका बिरयानी बहुत अच्छा बना है और घोल भी बहुत अच्छा बना है और देखिए अभी हम लोग खाने के 1 घंटे और बहुत कम लोगों के हाथ पे जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि बिरयानी बहुत अच्छा बनता है तो शफिया आपने बहुत ही अच्छा बिरयानी बहुत ही लजीज बिरयानी बनाया है जो कि दिल खुश हो गया खाकर अगर आप लोग डाइट करेंगे ना इसी बीच तो आप डाइट तोड़ दीजिएगा क्योंकि अगर आपको इतना लजीज बिरयानी मिलेगा ना तो आपको पूरा डाइट भूलना ही पड़ेगा तो अभी मैं अपना डाइट भूल कर बिरयानी खा ली हूँ 4-5 दिन से मैं रोटी खा रही थी सब घर पे तो अभी बहुत अच्छा लगा और अभी हम लोग आज आए हैं 15 अगस्त में बच्चे लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि चैम्प और दानियाल का एक दूसरे दोनों का बेस्ट फ्रेंड है तो ये लोग अभी छोटे हैं तो ये लोग अभी से इतना अच्छी दोस्ती की है और मम्मी लोग से भी बहुत अच्छा हम लोग का दोस्ती है और यार दानियाल हमको देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और फ्रेंड्स को दिखाइए आप क्या ड्रॉ किए देखते हैं मीर मैम ने आप लोगों को क्या सिखाया है हमारी जो मीर मैम जो ड्राइंग मैम है वाओ वाकई हमारी जो मीर मैम है ना बहुत अच्छा ड्रॉ कराती है बच्चे लोगों को तो बहुत अच्छा ड्रॉ बच्चे लोग भी कर रहे हैं अभी आपने यही बनाया आपने फ्लैग बनाया ना एक दिखाइए फ्लैग दिखाइए अभी जो आपने फ्लैग बनाया भी बहुत अच्छा ड्रॉ की है इंडिया का फ्लैग बनाया बच्चों लोगों ने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है और फ्यूचर है इन लोग सब इंडिया का फ्यूचर है और आप दोनों का भी आप लोग दुआ में याद रखिए बच्चों को के अंदर अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और उम्मीद करते हैं ये आज का छोटा मोटा सा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा दुआ में ज़रूर याद रखिएगा बाय बाय फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़